दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको OBS स्टूडियो के बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा। आमतौर पर जब आप OBS स्टूडियो के बारे में कुछ भी सीखते हैं तो वो आधा अधूरा होता है। जब मैंने भी सीखना शुरू किया था तो मैं YouTube पे कई सारे वीडियो को देखा, और अभी भी मैं वीडियो जब देखता हूँ किसी भी YouTube में, तो वहाँ तो दो चीज़ें बिल्कुल मिस करता है। पहला चीज़ तो ये मिस करता है कि आपको जो थियरी है, जो बैकग्राउंड है, क्यों होता है, उसका रीजन कोई नहीं बताता है। केवल आपको बताता है ऐसे ऐसे आप सेटिंग कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो जब मैं लर्निंग करना शुरू किया था तो OBS सीखना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ, लेकिन बाय द वे फॉर्चुनेटली मैं इसको सीख लिया हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो नॉलेज मैंने गेन किया उस नॉलेज को दूसरों को भी शेयर करूँ, ठीक है। इसी पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछूं कि OBS में सीन का क्या कंसेप्ट है, प्रोफाइल का कंसेप्ट क्या है, सीन कलेक्शन होता है उसका क्या कंसेप्ट है, तो ये जो फंडामेंटल है इन चीज़ों पर हम नहीं देखते हैं। जैसे कि आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, अब आपके ऑडियो में इशू आ रहा है, तो आपने ऑडियो से रिलेटेड कोई वीडियो देख लिया, तो आपका ऐसे काम चलता रहता है, लेकिन आपका परफेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ना, ये मेरा अभी डेस्कटॉप रिकॉर्ड हो रहा है। अभी इसके पहले जो आप देख रहे थे वो मेरा एक इंट्रो रिकॉर्ड हुआ था। वो कैसे रिकॉर्ड हुआ था वो मैं दिखाता हूँ OBS खोल के। OBS जब आप देख रहे हैं तो OBS में मैंने कई सारे सीन बनाए। पहला आपको सीन दिख रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियो विद बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो मैंने पहला सीन बनाया है उसमें मैं, ऐसा है कि मेरा जब वीडियो स्टार्ट होगा रिकॉर्डिंग करना, तो क्या करेगा कि पूरा का पूरा, जैसे कि आपको मैं यहाँ स्विच करके दिखाता हूँ, ये क्या करेगा कि पूरा एक वेलकम स्क्रीन आपको आएगा, और मैंने उसमें म्यूजिक डाला नहीं है, म्यूजिक भी डाल दूंगा। तो क्या होगा कि जब वीडियो बनना शुरू होगा तो क्या होगा कि सबसे पहले ये फुल स्क्रीन में आपको ये दिखेगा, ठीक है, और बैक में आपको क्या चलेगा, म्यूजिक चलेगा। ये मेरा इंट्रो है, ये एक सीन है। और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, ये क्या करता है, ट्रांजिशन होता है, इसको कहते हैं सीन ट्रांजिशन, ऑटोमेटिक सीन ट्रांजिशन होगा। और आपको जब ये स्क्रीन दिख रहा है ना, ये स्क्रीन आपका भी रिकॉर्डिंग में जा रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको नीचे डेस्कटॉप पे जाऊं या किसी टॉपिक पे अगर डिस्कशन करना शुरू करूं, तो ये आपको वहां पर पूरा आपको आएगा। तो कहने का मतलब ये दूसरा कंसेप्ट है। तीसरा मैंने बनाया है जिसमें कि मेरा स्क्रॉलिंग वाले पार्ट वाला, अभी मैं अगर बनाना चाहूँ, मान लेते हैं अभी ये रन हो रहा था, ये स्क्रॉलिंग नहीं आ रहा था, लेकिन अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस पर काम करना चाह रहा हूँ, अब आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा होगा ना, तो ये स्क्रॉलिंग वाला पार्ट आपको जा रहा हो। तो ये सीन का कंसेप्ट है जो आपको समझना जरूरी होता है। मैं स्टार्ट किया वीडियो, ऐसे बना रहा हूँ, और ऑडियो में भी इशू था, अभी तक मेरे ऑडियो में इशू है। तो मैं उसको जब डेप्थ में जाकर देखा कि OBS स्टूडियो वर्क कैसे करता है, तो जो चीज़ मैंने सीखा मैं चाहता हूँ दूसरे भी सीखे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन उसको कोई क्लियर तरीके से बताता नहीं है। मैं ये वीडियो हो सकता है कई सारे पार्ट में बनाऊँ, इसलिए मैं अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि अब ये जैसे कि अगला सीन बनाया जिसमें कि मेरा वीडियो का एंड होगा, तो जब आपका वीडियो एंड होगा तो इस तरीके का आएगा। तो अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा ना, इसमें तो आपको सीन का कंसेप्ट दिया हूँ कि सीन कैसे बनाते हैं, अगले वीडियो में पूरा फिर आपको ऑडियो से रिलेटेड कई सारे इश्यू होते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ें बताऊंगा। आपका सिंपल से सिंपल माइक है, ऑडियो का जो थियरी है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, डेसिबल का, 0 डेसिबल का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है, इन सब चीज़ों को बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कीजिए।